दोस्तों नुसरत फतेह अली खान किसे तारफ के मुहताज नहीं। इस दुनिया तो उन्होंने गया तकरीबन 24 साल हो चुके हैं, लेकिन हले भी वो साडे लोगों के दिलों च बसते हैं। असी लोग अज भी उन्होंने प्यार करने हैं, उन्होंने याद करने हैं, असी अज भी उन्होंने कलाम सुन के अपने दिलों को ठंडा करने हैं। दोस्तों अज की वीडियो दे विच तुहानू नुसरत फतेह अली खान की जिंदगी दे नाल नाल उन्हां दी जिंदगी दे आखिरी आयाम दे बारे च भी थोड़ी जी मालूमात शेयर करांगा। ते चलो वीडियो नू शुरू करने आ। मैं वां फिजान बेग ते तुसी देख रहे हो ABHD TV। दोस्तों नुसरत फतेह अली खान का इंतकाल 16 अगस्त 1997 नूं इंग्लैंड के शहर लंदन दे विच होया। उन्हां दे इंतकाल दे नाल ही असी उह खजाना गवाया जिहड़ा शायद सानूं कदी फिर ना मिले। नुसरत फतेह अली खान दे इंतकाल दे नाल इक बहुत ही अच्छा गायक, एक बहुत ही अच्छा मौसीकार, एक बहुत ही अच्छा कवाल साढ़े तो दूर हो गया, लेकिन उन्होंने गायकी ते आवाज़ अज भी जिंदा है। अज भी असी लोग उन्हें सुनने हैं, अज भी असी लोग उन्होंने प्यार करने हैं। नुसरत फतेह अली खान की जिंदगी के आखिरी आयाम से गल करन तो पहला असी थोड़ी जी गल नुसरत फतेह अली खान के शुरुआती दिनों से करने हैं। नुसरत फतेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 फैसलाबाद दे विच पैदा हुए। नुसरत फतेह अली खान दे घर वाले तकसीमे पाको हिंद तो पहला भी मौसीकी दे शोबियां दे विच बड़े मशहूर सन। नुसरत फतेह अली खान दे वालिद फतेह अली खान ते चचा मुबारक अली खान मौसीकी नाल खूनी रिश्ता होने की वजह तो नुसरत फतेह अली खान नूं बचपन ही तो कवाली का शौक हो गया। जदों कि उन्हां दे वालदे मोहतरम की ख्वाहिश सी कि वह डॉक्टर बनन या इंजीनियर बनन, पर नुसरत फतेह अली खान की ख्वाहिश ते शौक नूं देखदिआं होइआं आप दे वालिद फतेह अली खान भी आप दी कवाली करन ते राजी हो गए। उहदे तों बाद नुसरत फतेह अली खान नूं क्लासीकी ते मौसीकी मसलन तबला वजाउण दी तालीम उहनां दे वालिद ही ने दित्ती। 1964 दे विच अपने वालिद दी वफात तों बाद नुसरत फतेह अली खान ने मजीद कवाली दी तालीम अपने चचा मुबारक अली खान कोलों लई। बाद विचों 1984 दे क्लासीकल मौसीकी फनकार उस्ताद सलामत अली खान ने नुसरत फतेह अली खान नूं कवाली दी तालीम दित्ती। जे तुहानू नुसरत फतेह अली खान की पहली परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता तो तुहानू दसदा चला, नुसरत फतेह अली खान ने अपनी पहली परफॉर्मेंस 16 साल की उम्र के विच अपने वालिद दे चेहलम दे मौका ते कीती। एहो वक्त सी जदों नुसरत फतेह अली खान ने पहली बारी कवाली कीती। इहदे तों बाद किन्नी देर तक नुसरत फतेह अली खान अपने चचाजाद वीर मुजाहिद मुबारक अली खान ते छोटे वीर फरुख फतेह अली खान कवाली दीआं महफलां दे विच अपने फन का मुजाहरा करते सन। चचा की वफात तो बाद नुसरत फतेह अली खान ने उन्हां दी कवाल पार्टी नूं संभालिया। कहिंदे ने 1980 दी दहाई नुसरत फतेह अली खान वास्ते बेशुमार कामयाबियां दा बाइस बनी। नुसरत फतेह अली खान ने कवाल पार्टी दी सरबराह दी हसीयत तों पाकिस्तान मौसीकी दे सालाना प्रोग्राम जश्न बहारा दे विच दित्ती। उन्हां दी पहली कामयाब कवाली हक अली अली सी। जिदी वजह तो नुसरत फतेह अली खान दुनिया भर दे विच मशहूर हो गए। इसे प्लेटफॉर्म ते कदी कदी नुसरत फतेह अली खान उर्दू पंजाबी फारसी ते हिंदी दे विच कवाली गांदे सन। नुसरत फतेह अली खान दी शोहरत दे चर्चे जदों मुल्कों बाहर होना शुरू हो गए ते उन्हां नूं दुनिया दे मुख्तलिफ ममालिक तों दावतनामे वसूल होने शुरू हो गए, जिथे ओह अपनी आवाज दा जादू जगाने च कामयाब रहे। 1985 ईस्वी च उन्हां ने लंदन च मुनक्कीदा वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक आर्ट्स एंड डांस विच अपनी परफॉर्मेंस दिती। नुसरत फतेह अली खान ने 1985 तो 1988 दे विच पेरिस दा सफर कीता, जदों कि इहदे दौरान जापान फाउंडेशन तो मौसूल होने वाले दावतनामे ते जापान दा दौरा भी कीता। उन्हां ने 1999 विच ब्रुकलिन अकैडमी ऑफ न्यूयॉर्क दा दौरा कीता ते उत्थे अपनी शानदार परफॉर्मेंस पेश कीती। 1990 तो 1993 दे दौरान उन्हां नूं वाशिंगटन यूनिवर्सिटी दे एक्टर म्यूजिक दे कॉलेज डिपार्टमेंट विच बतौरे आर्टिस्ट खिदमात अंजाम दित्तियां। नुसरत फतेह अली खान ने बेशुमार एल्बम रिलीज कीते जिदे विच कवाली दे 125 ऑडियो एल्बम शामिल ने। इहदी वजह तों नुसरत फतेह अली खान दा नाम वेनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे विच भी दर्ज कीता गया। नुसरत फतेह अली खान दे मशहूर गीतां विच अखियां उड़ीकदियां, इस तों डाढा दुख ना कोई, आफरी आफरी, मेरे रश्के कमर, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरी जिंदगी है तू, द मस्त कलंदर वगैरह शामिल ने। वैसे ते नुसरत फतेह अली खान दे तमाम कलाम ही अपने आप विच इक मिसाल ने, पर तुम एक गोरख दंदा हो कलाम दा कोई जवाब नहीं। कभी कंकर को बना देती हो हीरे की कनी, कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देती हो। नुसरत फतेह अली खान दे आलमी शाहकार दी गल करिए ते पहली बार उन्होंने 1995 दे विच रिलीज होने वाली फिल्म डेड मैन वॉकिंग वास्ते मौसीकी दित्ती। इहदे तों इलावा हॉलीवुड दे एक और मशहूर हदायतकार मार्टिन एस्क्योरिस दी फिल्म
The Lost Temptation of Christ. इस फिल्म वास्ते भी मौसीकी देन दा सेहरा नुसरत फतेह अली खान दे सिरे पैटर कैपरिकल दे नाल उन्हां दा रिलीज कीता गया एल्बम मस्त मस्त भी आलमी सतह ते बहुत मशहूर है। नुसरत फतेह अली खान नु कई बारी कौमी ते बैनुल अक्वामी सतह ते नवाजिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने नुसरत फतेह अली खान दी सलाहियतां दा एतराफ करदिया होया उन्हां नु तमगाए हुस्ने कारकर्दगी तो नवाजिया। दूसरी तरफ 1995 दे विच उन्हां नु यूनेस्को म्यूजिक अवार्ड तो नवाजिया गया। 1997 दे विच ग्रैमी अवार्ड दे वास्ते नामजद कीता गया। बाद अज मर्ग उन्हां नु 2006 विच उन्हां नु जारी दे टाइम मैगजीन विच एशियन हीरोज दी फहरिस्त विच शामिल कीता गया। दोस्तों ए सन कुछ जरूरी गल्लां नुसरत फतेह अली खान दी जिंदगी दे बारे च। आओ तुहानूं उन्हां दी जिंदगी दे आखरी आयाम दे बारे च कुछ दसने आ। नुसरत फतेह अली खान ने अपनी वफात तो कुछ दिन पहला तयशुदा प्रोग्राम दे तहत नुसरत फतेह अली खान गुर्दा तब्दील करवाण दी वजह तो अमरीका रवाना होए, लेकिन आराम वास्ते कुछ दिन इंग्लैंड रुक के लंदन रुक गए। वो लंदन दे एक मुकामी होटल च गए, लेकिन उत्थे जांदे ही उन्हां दी तबीयत मजीद खराब हो गई। नुसरत फतेह अली खान दे सैक्रेटरी इकबाल भी उन्हां दे नाल सन। कुछ देर तबीयत ना ठीक होने तो बाद नुसरत फतेह अली खान नूं करीबी अस्पताल दे विच चेकअप कराने वास्ते ले जाया गया। पाकिस्तानी डॉक्टर हरून दी मदद नाल उन्हां नूं अस्पताल ले जाया गया, जिथे डॉक्टरां ने फौरी तौर ते डायलिसिस करन दा फैसला कीता। लेकिन जदों डायलिसिस दे बावजूद भी उन्हां दी तबीयत बहाल ना होई ते उन्हां नूं मजीद टेस्ट करवाण दा मशवरा दिता गया, जिहड़े टेस्ट दूसरे रोज करवाए गए सन। जदों उन्हां दे रिजल्ट आए ते पता लगा कि नुसरत फतेह अली खान साहब नूं हेपेटाइटिस ए बी ते सी भी हो चुकिया है, ते एदी वजह ए पता लगी कि डायलिसिस मशीन दीयां नालियां तब्दील कीते बगैर ही डायलिसिस कीते गए सन, जिहदी वजह तों ये सारा मामला पेश आया। डॉक्टरां ने नुसरत फतेह अली खान साहब नूं लंदन तों ही मुकम्मल इलाज करवाण दा मशवरा दिता। नुसरत फतेह अली खान वेखण विच ज्यादा बीमार नहीं लगदे सन, डॉक्टरां ने भी मुकम्मल तसली दे रखी सी। इसे वजह तों नुसरत फतेह अली खान साहब दे अहले खाना चों किसे नूं उत्थे ना बुलाया गया। अलबत्ता नुसरत फतेह अली खान साहब दे चंद करीबी दोस्त जिहड़े उन्हां दिनां च लंदन विच ही रह रहे सन रोजाना नुसरत फतेह अली खान साहब दी आयादत वास्ते आ जांदे। इन्हां दोस्तां विच जावेद मियांदार ते मैडम नूर जहान भी शामिल सन। डॉक्टर दे मशवरे नाल नुसरत फतेह अली खान साहब नूं हेपेटाइटिस वास्ते इक इंजेक्शन लाया गया, जिहदी वजह तों नुसरत फतेह अली खान साहब दी तबीयत मजीद खराब हो गई। जिस डॉक्टर दे मशवरे नाल नुसरत फतेह अली खान साहब नूं हेपेटाइटिस दा इंजेक्शन लाया गया सी, ओह डॉक्टर भी उत्थों फरार हो गया। अगले दिन सुबह 5 बजे तों 6 बजे दे दौरान नुसरत फतेह अली खान साहब दी तबीयत मजीद खराब हो गई। उन्हां नूं एमरजेंसी वार्ड विच शिफ्ट करन दा फैसला कीता गया, लेकिन एमरजेंसी वार्ड विच शिफ्ट करन तों बाद नुसरत फतेह अली खान साहब अपने खालके हकीकी नूं जा मिले, जिहदे नाल ही दुनिया मौसीकी दे एक बेहतरीन शाहकार तों जुदा हो गई। दोस्तों ये वीडियो इंटरनेट की रिसर्च तो बाद बनाई गई है। मनु उम्मीद है कि नुसरत फतेह अली खान साहब की जिंदगी के बारे जान के बहुत अच्छा लग्या होगा। जे तुहानू ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो नू लाइक कर दियो, ते मजीद ऐसिया आने वाली वीडियोज़ वास्ते ABHDTV नू सब्सक्राइब कर लो। ये फिजान बेग नू दियो इजाजत, असी मिलांगे अपनी नैक्सट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।